रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये पोइम है माय प्लेमेट यानी मेरा साथी। ठीक है, मेरा साथी खेलने का, खेलने में, खेलने कूदने के लिए हमारे फ्रेंड्स होते हैं ना, जो हमारे साथ खेलते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक माय प्लेमेट, मेट का मतलब जहाँ पर भी आता है वो उसका मतलब होता है साथी। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं अपना इस रीडिंग को। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्ड्स में उनसे, अ सॉरी साइट, अ सैड थिंग्स टू सी, यानी एक अफसुदा चीज़ जो हमने देखी हो, अ सॉरी साइट। ठीक है, प्ले मेट, अ फ्रेंड टू प्ले विथ, एक ऐसा दोस्त जिसके साथ आप खेलते हों। पुडल, अ स्मॉल पूल ऑफ वाटर, पुडल का मतलब होता है एक छोटा सा तालाब पानी का। थ्रेड वॉक, या फिर पुट योर फूट ऑन समथिंग, ठीक है, यानी कि चलना या फिर अपने पाँव को किसी चीज़ के ऊपर रखना। ठीक है, तो चलिए अब इस पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। आई ऑफन वॉन्डर हाउ इट इज दैट ऑन अ रेनी डे अ लिटल बॉय जस्ट लाइक माई सेल्फ कम्स आउट विथ मी टू प्ले। अब वो कहता है कि आई ऑफन वॉन्डर यानी सोचता हूँ, ख्याल करता हूँ, हाउ इट इज़ कि वो कैसा दिन होगा, दैट वो ऑन अ रेनी डे कि एक दिन जिस दिन बारिश हो रही हो, अ लिटल बॉय जस्ट लाइक माई सेल्फ मेरे जितना ही एक छोटा सा बच्चा, कम्स आउट विथ मी टू प्ले, मेरे साथ बाहर आए और मेरे साथ उस बारिश में खेले। एंड वी स्टेप इन ऑल द पुडल्स वेन वॉकिंग थ्रू द टाउन, बट ऑफन आई स्टैंड द रन राइट वे अप, ही ऑलवेज अपसाइड डाउन। अब वो कहता है कि एंड वी स्टेप इन ऑल द पुडल्स, हम नाचते हुए हर जगह पर फिर रहे हों, वॉक कर रहे हों, मस्ती कर रहे हों बारिश में। When walking through the town, जब हम लोग अपने उस बिल्ली अपने जगह हम पूरे टाउन से गुजर रहे हों तो हम मस्ती करते हुए गुजर रहे हों, बट दो आई स्टैंड द राइट वे अब मैं उसके इसमें राइट साइड पर खड़ा हुआ हूँ, ही ऑलवेज अपसाइड डाउन, और वो मेरे साथ जुड़ के खड़ा हुआ हो। आई हैव ट्रेड अपॉन हिज फीट विच इज़ अ सॉरी साइट, विथ माई लेफ्ट फूट ऑन हिज लेफ्ट फूट, माई राइट फूट ऑन हिज राइट। वो कह रहा है आई हैव टू थ्रेड अपॉन हिज फीट। अब वो कह रहा है कि हम दोनों के पाँव एक दूसरे के साथ हों, थ्रेड यानी साथ हों, विच इज़ अ सॉरी साइट, जो कि देखना एक अच्छा सा तो महसूस नहीं होगा किसी को भी, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग आपस में अच्छा प्यार देख के चलते होते हैं। विथ माई लेफ्ट फूट ऑन हिज लेफ्ट फूट, मेरा बायां पाँव लेफ्ट फूट उसके लेफ्ट फूट के साथ हो, उल्टे मेरा उल्टा पाँव उसके उल्टे पाँव के साथ हो, एंड माई राइट फूट ऑन हिज राइट फूट, और मेरा राइट फूट और मेरा सीधा पाँव उसके सीधे पाँव के साथ हो। ठीक है, ही हैड टॉक टू मी, ही सीम्स सो वेरी काइंड, फॉर वेन आई लुक एंड स्माइल एट हिम ही डज द सेम आई फाइंड। अब वो कह रहा है आई रियली विश He had talked to me. अब मैं बहुत इस चीज़ की विश करता हूँ, मैं इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश करता हूँ कि काश वो मेरे से बात करे। He seems so very kind. और मैं सोचता हूँ कि वो एक बहुत रहम दिल इंसान हो, जो मेरे दोस्त हो। With my left foot on his left, sorry, for when I look and smile at him, वो एक बहुत रहम दिल हो और वो उसी तरह से वैसे ही रिएक्ट करे जैसे मैं जब उसको देखूं और मैं उसको मुस्कुराहट दूं तो वो भी मुझे देख के मुस्कुराहट दे। ही डज द सेम आई फाइंड, जैसे मैं करूं वो वैसा ही करे। बट आई नेवर हेयर हिम स्पीकिंग, लेकिन मैं कभी उसको बोलता हुआ ना देखूं। सो श्योरली ही मस्ट बी आई सम इन सम स्ट्रेंज लैंड द अदर साइड जस्ट अपोजिट टू मी। और मैं चाहता हूँ कि वो बिल्कुल वैसा ही हो जैसा मैं हूँ। ठीक है, जैसा मैं रिएक्ट करूँ वैसा वो करे, यूँ नहीं कि वो मेरे ही मुखालफत करे, मेरे ही बारे में बुरा भला सोचे। ठीक है, तो ये सब वो अपने दोस्त की विजन को बता रहा है कि मैं एक अपना एक ऐसा दोस्त चाहता हूँ। जल्दी से बातें देखिए, हम सारे चाहते होते ना कि हमारा जो दोस्त है वो हमारे उसके साथ हमारी वाइब्स मैच होती हों, वो और हमारी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो। ठीक है, तो ये छोटा हर कोई ऐसा ही चाहता होता है, और ये छोटा बच्चा भी ऐसा ही चाहता है कि उसका भी कोई ऐसा दोस्त हो जो उसके साथ खेले कूदे गाए नाचे। ठीक है, जब बारिश हो तो वो बारिश में उसके साथ बाहर निकले। ठीक है, तो ये था आज का छोटी सी पोइम। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आज का ये लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।